हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सीएमए कैंपस प्लेसमेंट, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट का फर्स्ट फेज ओवर हो चुका है एंड सेकंड फेज का स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया था मेरे पास कि सर, क्या हमें सेकेंड फेज के लिए फिर से अप्लाई करना पड़ेगा? क्या सेकेंड फेज के लिए हमें फिर से पैसे पे करने पड़ेंगे? एंड सेकेंड फेज के बारे में हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमें किस कंपनी ने शॉर्ट लिस्टिंग की, क्या हुआ वो सारे प्रोसीजर हमें नेक्स्ट फेज में कैसे मालूम चलेगी? और फिर सेकंड फेज का कुछ एक्सपेक्टेशन है, कब तक होगा, कब तक नहीं होगा, बिकॉज ऑल आर वेटिंग फॉर जॉब। सो मैं आपको ये सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करता हूँ। देखो, जैसे आपका फर्स्ट फेज हुआ है, सेकंड फेज भी ऐसा ही होगा। फर्स्ट फेज में सपोज 6-7 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया, सेकेंड फेज में हो सकता है इतने कंपनीज पार्टिसिपेट ना करे, 2-3 कंपनी पार्टिसिपेट करे, ऐसे करके सेकेंड फेज भी हो सकता है आपका, थर्ड फेज भी हो सकता है, फोर्थ फेज भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के ऊपर कि इंस्टीट्यूट कितने फेज में इस कैंपस को करवाना चाहती है। फर्स्ट थिंग्स ये। सेकंड थिंग, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फर्स्ट टाइम में फिल किया था, आपने 4,000 फीस का पेमेंट किया था, उसकी वैलिडिटी तब तक है जब तक ये कंप्लीट सारे फेजेज नहीं हो जाते हैं। इट मीन्स जितनी भी कैंपस प्लेसमेंट होगी इस पार्टिकुलर टाइम के लिए, वो सारे में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो उसी 4,000 में। आपको कोई एडिशनल फीस पेमेंट नहीं करनी है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड, अब आपको मालूम कैसे चलेगा, जैसे फर्स्ट फेज में क्या हुआ था, आपको जब शॉर्ट लिस्टिंग हुई होगी आपके किसी पार्टिकुलर कंपनी में, तो आपको या तो कंपनी की तरफ से आपको मेल गया होगा, या फिर आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे देख सकते हो, वहाँ पे इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स के नाम अपडेट करती है कि इस कंपनी ने इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट किया, उनके नाम और उनके रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे मैंशन होते हैं। सो आप उस थ्रू भी आप देख सकते हो। तो आपको बस एक ही काम करना है, आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर फ्रिक्वेंटली विजिट करते रहना जो कैंपस प्लेसमेंट का सेक्शन है वहाँ पे, एंड वहाँ से आप चेक कर सकते हो कौन कौन सी कंपनी पार्टिसिपेट करने वाली है, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर किसी कंपनी में आपका शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुआ है तो भी आपको मालूम चल जाएगा कि किस किस कंपनी ने एक्सटेंडेड कैंपस प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट किया। सो लास्ट आंसर ये है कि आप लोग को ये लग रहा होगा कि ये कितने दिनों बाद होगा जो हमारा एक्सटेंडेड कैंपस प्लेसमेंट होगा। तो मैं आपको बता दूं, एक्सटेंडेड कैंपस प्लेसमेंट का कोई फिक्स पीरियड नहीं होता, फिक्स डेट नहीं होता कि इस डेट से इस डेट होगी। जैसे हम आपका फर्स्ट फेज में डेटेज फिक्स है, हो सकता है ये नेक्स्ट मंथ भी हो जाए या उसके नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है। सो बट ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ, 2-3 मंथ का टाइम लग सकता है, 2-3 मंथ का टाइम लग जाएगा आपको एक्सटेंडेड कैंपस होने में। सो आई थिंक तब तक आपको ऑफ कैंपस भी जॉब सर्च करना चाहिए। मैं आपको यही सजेशन दूंगा, बहुत सारी वैकेंसीज लिंक्डइन पे, Naukri.com पे आपको मिलेंगी। बस आपको अपने आप को अप टू डेट करना है चीज़ों के साथ, और जिस जॉब प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस रिलेटेड आपको चीज़ें मालूम होनी चाहिए जब आप कर रहे हो अप्लाई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।